आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा विकास मंच के संस्थापक स्वर्गीय अशोक जैन सीए की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मंच 11 फरवरी को दादावाड़ी में वृहद स्तर का निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने जा रही है। इस शिविर में हृदय मधुमेह न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों से ग्रसित मरीजों के साथ साथ मनोरोगियों का विशेषज्ञ चिकित्सक इलाज करेंगे। आगरा विकास मंच अपने संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय अशोक जैन सीए साहब की पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को आगरा जैन मंदिर दादावाड़ी पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर में मस्तिष्क रोग, डायबिटीज, हृदय रोग के वह पेशेंट जिनके बाइसेप के समय से आज तक 1500 पेशेंटों की हार्ट सर्जरी हुई है उनके लिए, एवं इस समय की सबसे बड़ी परेशानी डिप्रेशन अवसाद के लिए यह शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में 7, 8 और 9 तारीख को शिविर से पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन जगदम्बा मेडिकेयर डॉक्टर बी के अग्रवाल जी, डॉक्टर रमेश धमीजा सागंज, नवदीप हॉस्पिटल सागंज, नया नॉप्टिक्स अंजना सिनेमा के पास, डॉक्टर विनय अग्रवाल नेहरू नगर, डॉक्टर शुभम लवानिया कमला नगर पर किए जाएंगे। जो भी मरीज हैं वह जब पंजीकरण कराने आएँ तो साथ में या तो अपनी लिखित परेशानी लाएं या यदि उनके पास में कोई रिपोर्ट्स हैं उनको लेके आएं, जिससे कि स्क्रीनिंग में दिक्कत नहीं हो। 11 तारीख को जो कैंप है उसमें हार्ट का ब्लड प्रेशर के अलावा इस बार न्यूरोलॉजी और साइकेट्री का कैंप, जिसमें मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल और डॉक्टर सागर लवानिया जी हम लोग भी वहाँ रहेंगे। और उसमें जो न्यूरोलॉजी में मरीज होते हैं जैसे कि सिर दर्द है या लकवे के मरीज हैं या दौरे के मरीज हैं या गर्दन दर्द कमर दर्द इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो तो न्यूरोलॉजी के उस डिपार्टमेंट में देखे जाएंगे। और उस दिन जो भी मरीजों को जांचों की जिनकी ज़रूरत होगी वो हम कोशिश करेंगे कि वहीं पर उसको कराया जाए। और साथ में साइकेट्री के लिए डॉक्टर साहब, ये जो कैंप हो रहा है इसमें सभी तरह के जो मानसिक रोगी होंगे वो आ सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, अवसाद, उदासी, चिंता और नींद का ना आना, या किसी भी तरह का कोई पागलपन या नशे के रोगी जो भी हैं वो आ सकते हैं। शराब का नशा हो, गांजा भांग, किसी भी तरह का नशा हो वो आ सकते हैं। बच्चों से संबंधित जो बीमारियां हैं मानसिक की, वो उसके भी मरीज आ सकते हैं, जैसे कि बच्चा बहुत शैतान है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उस तरीके के भी मरीज आ सकते हैं। ये 11 तारीख को एक महाशिविर है, इसमें न्यूरोलॉजी का तो अभी जैसे बताया कि डॉक्टर विनय अग्रवाल डॉक्टर सागर लवानिया जी पेशेंट देखेंगे, और जितने भी हृदय रोगी पुराने जो 1500 पेशेंट हैं जो ऑपरेटेड हैं, जिन लोगों का पहले से ऑपरेशन हो चुका है, तो उनकी भी जो भी जांचें होती हैं फॉलोअप में उनको चेकअप भी किया जाएगा। मैं डॉक्टर धमीजा डॉक्टर बी के गुप्ता फिजिशियन और डॉक्टर सुनील शर्मा जी, तो वो सब रहेंगे। जितने फॉलोअप बच्चे हैं उन सबको हमें देखना है, उनकी जो भी जांचें होंगी उनको हम कराएंगे, प्लस जो नए अपने डायबिटीज़ से संबंधित जो रोगी हैं वो उस दिन आके अपना ब्लड शुगर चेकअप करा सकते हैं, हम लोगों को चेक करा सकते हैं। कोशिश यही करें कि अगर कोई भी पर्चा पुरानी बीमारी से संबंधित है प्लीज़ उसको कृपया ज़रूर ले आएँ, जिससे कि आप हमारे जितने भी चिकित्सक ग्रुप है उससे आप पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। अब तक हमारा आगरा विकास मंच गत 14 वर्षों से आगरा में सेवा के कार्य कर रहा है, चिकित्सा में हम लोगों का मेन फोकस रहता है। इस बार हम लोगों ने अपने इस चिकित्सा क्षेत्र में न्यूरोलॉजी और साइकेट्रिस्ट को और ऐड किया है। इस बार जो हम लोग 11 तारीख का जो कैंप कर रहे हैं उसमें मेन फोकस हमारा न्यूरोलॉजी और साइकेट्री पर रहेगा, और उसके साथ साथ डायबिटीज़ और हमारे जो हार्ट के पेशेंट पुराने ऑपरेटर हैं उन सबका फॉलोअप होगा। इसमें 6 जगह हम लोग पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और सबसे निवेदन ये रहेगा कि प्री रजिस्टर्ड ही पेशेंट को हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि इसमें सुपर स्पेशलिटी आ रही है। तो उसमें सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन है डॉक्टर बी के अग्रवाल की क्लिनिक पे होगा, नंबर 2 नैन ऑप्टिक्स पे होगा, नंबर 3 डॉक्टर धमीजा की क्लिनिक पे होगा, डॉक्टर बी के गुप्ता की क्लिनिक पे होगा, और नवदीप हॉस्पिटल पे आप कर सकते हैं, और डॉक्टर सागर लगवानिया कमला नगर में, और डॉक्टर विनय अग्रवाल क्या कर सकते हैं। आगरा शहर को सेवा का पर्याय बनाने वाले स्वर्गीय श्री अशोक जैन सीए की पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को आगरा विकास मंच आगरा शहर के तमाम चिकित्सक बंधुओं के साथ इस सेवा के शिविर में नए नए आयाम और जोड़ने जा रहा है।
इधर आकर जैसे मनोचिकित्सक और मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, सागर लवानिया जी का जो सहयोग मिल रहा है, इससे निश्चित ही आगरा शहर के बहुत सारे मरीजों को आराम मिलेगा, वो लोग अपना इलाज करा सकेंगे।